वेलकम टू हॉट पूरीज किचन लिविंग एंड गार्डनिंग। गणेश चतुर्थी पे हम लोग हमेशा से मोदक बनाते आए हैं। मैंने एक बार नीले रंग के मोदक बनाए थे, वही रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नीले रंग के मोदक बनाने के पीछे कारण यह है कि हमारे पास नीले रंग की गणपति जी की एक मूर्ति है और जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ। हमने लेने हैं 7 से 8 पीसेस चॉकलेट बिस्किट्स के। आप और यो भी ले सकते हैं, या तो आप मिक्सी में क्रश कर सकते हैं या फिर बेलन से भी इनको क्रश कर सकते हैं। अब अच्छे से क्रश हो जाने के बाद ये बिस्किट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। बिल्कुल अच्छे से इनका पाउडर बन चुका है। ब्लू कलर लेने के लिए मैंने लिक्विड फूड कलरिंग का यूज किया है। थोड़ा सा पानी डलेगा। अच्छे से स्पून से मिक्स करने के बाद ये ब्लू कलर कोकोनट में कुछ इस तरीके का दिखेगा। हाथ से भी हम इसको मिलाएंगे। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट फ्लावर भी लिया है, आप थोड़ी सी सूजी भी ले सकते हैं। घी लीजिए या फिर कोई भी शॉर्टनिंग। थोड़ी सी आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। इलायची पाउडर, गुड़ लिया है मैंने। मैंने यहाँ पर वीगन शॉर्टनिंग ली है, वीगन मार्जरीन लिया है, आप घी भी ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर वीगन डिशेज में मैं वीगन मार्जरीन ही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट फ्लावर। ऐड करते हैं राइस फ्लावर। दो बड़े चम्मच चावल का आटा डाला है। अच्छे से इनको भुनेंगे हम। इसकी गांठें ना हमने पूरी खत्म करनी है, बिल्कुल भी लम्स होने ही नहीं चाहिए। कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर मैंने ये घर में ही पीसा हुआ है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़, करीब 2 बड़े चम्मच गुड़ डालने हैं। अब मैंने ये जो बिस्किट्स क्रश करे थे ये भी ऐड कर दिए। पानी का छींटा मारेंगे। फिर से पानी का छींटा मारेंगे। तब यही है कि इस मिक्सचर को हमने अच्छे से पकाना है, फिर ठंडा होने रखना है। अब थोड़ा सा गर्म ही है ये और इसको मैं मोदक की शेप दे दूंगी। अगर आपके पास मोल्ड्स हैं तो आप मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल इजी शेप दी है ना, इजी पीजी। अब ये स्क्यूअर की हेल्प से थोड़ा सा मैंने इसको इम्प्रेशन देना है, टेक्सचर दिया मैंने यहाँ पर। मोदक लगभग तैयार है,
इसको नारियल के बुरादे में लपेटते हैं। आप फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। अब ब्लू कलर में इसको लपेटेंगे। 90% मोदक इज रेडी। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर शुगर पेस्ट का यूज़ किया है। आप राइस फ्लोर को ही कलर करके भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर पेस्ट से बने हुए फ्लास। अगर आपको लगता है कि आप शुगर पेस्ट फ्लास नहीं यूज़ कर सकते तो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्लास भी। छोटे छोटे फूल भी हम इस पर लगा सकते हैं आसानी से। और पारिजात के जो वाइट और सैफ्रन कलर के फ्लास होते हैं वो भी बहुत सुंदर लगेंगे इस पर। Tak 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 tak.